गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन नोटिस के पेज नंबर 114। इसे आपको नोटबुक में लिखना है और जिस फॉर्मेट से मैंने बताया है उसी फॉर्मेट से हम लिखेंगे। इसमें थोड़ी मिस्टेक है आपके एग्जाम्पल में, जिस फॉर्मेट से मैं बताऊंगी और जो मैंने फॉर्मेट भेजा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको नोटबुक में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मिस्टर राम शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ KVM स्कूल लखनऊ। देखिए यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है, यही नेम मेंशन करना है, ये कौन सी पोस्ट में है, ये प्रिंसिपल का नाम है और ये KV स्कूल लखनऊ आपके स्कूल का नाम है, KV स्कूल लखनऊ का, आपको यही नाम मेंशन करना पड़ेगा। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग विद अफेक्ट फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर। टाइमिंग स्कूल की चेंज हो रही है कब से, 21st ऑफ नवंबर से, तो उसके बिहाफ में आपको नोटिस लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में आप डेट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ अक्टूबर लेकिन हम अक्टूबर नहीं यहाँ पे नवंबर मेंशन करेंगे, 21st ऑफ नवंबर। फिर एक लाइन छोड़ के उसके बाद बॉक्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि नोटिस में बॉक्स कंपलसरी होता है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम स्कूल का नाम लिखेंगे KVM, और ये जो स्कूल स्मॉल लेटर्स लिखा है, स्मॉल लेटर्स नहीं, हमें कैपिटल लेटर्स लिखना है, मतलब ये जो पूरी हेडिंग रहेगी ये ऊपर वाली कैपिटल लेटर्स से रहेगी, KVM स्कूल कॉमा लखनऊ। लखनऊ भी स्मॉल लेटर्स है लेकिन इसे हमें किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ये जब लिख जाएगा फर्स्ट लाइन जस्ट स्कूल का नाम, तो उसके बाद मैंने बताया था कि हम एक कॉपी में लाइन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कैपिटल लेटर से नोटिस, बीच में ये आपका सब सेंटर में ही जाता है, बीच में जाता है कॉपी के, तो हम नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने के बाद हम डेट मेंशन करेंगे यहाँ साइड में, लेफ्ट साइड में मार्जिन में 10 नवंबर 2020। देखिए 21 से टाइमिंग चेंज होनी है तो हम क्या कर रहे हैं, 10 दिन या 11 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 10 नवंबर 2020। फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देखिए पहले स्कूल का नाम आएगा, फिर लाइन छूटेगी, उसके बाद हम नोटिस मेंशन करेंगे सेंटर में, फिर कॉर्नर में हम डेट मेंशन करेंगे, नोटिस के नेक्स्ट लाइन में डेट आती है, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हम टॉपिक लिखेंगे किस पे हम लिख रहे हैं, चेंज इन स्कूल टाइमिंग, स्कूल का टाइम बदल रहा है। जब ये सब हो जाएगा हेडिंग वाला पार्ट, और ये भी आपका कैपिटल लेटर में ही जाएगा सब चीज, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम अपनी बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे और ये मार्जिन से रहेगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल टाइमिंग विल बी चेंज टू 9 AM to 3 PM। हम सब सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा स्कूल टाइमिंग जो है चेंज होने वाला है, कि क्या हो जाएगा टाइमिंग 9 AM to 3 PM विद द अफेक्ट फ्रॉम द 21st of November। ये कब से हो रहा है, 21st of November से हो रहा है, यहाँ पे 2020 मेंशन कर लीजिएगा, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, दिस इज बीन डन इन व्यू ऑफ द कमिंग विंटर व्हेन द डेज विल बी शॉर्टर एंड द स्टूडेंट्स विल बी डिफिकल्ट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच स्कूल बाय 7:30 एज दे हैव टू डू नाउ। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब विंटर आने वाले हैं, दिन छोटे होंगे और स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जाएगी सुबह जल्दी आने में बाय 7:30, जैसे अभी तक आप आते थे। तो ये आपको लिखना है, ये आपका बॉडी पार्ट है। जब ये हो जाएगा इसके बाद फिर से हम एक लाइन छोड़ेंगे कॉपी में, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे, यही नेम मेंशन करेंगे राम शर्मा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हम पोस्ट को ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट लाइन से हम इसको फिर नीचे लाइन खींच के बॉक्स का क्लोज कर देंगे, और इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है, आप बुक के फॉर्मेट से मत लिखिएगा, इसमें गलत दे रखा है, मैंने आपको जब एग्जांपल में समझाया था सेम फॉर्मेट से, पहले हम स्कूल का नाम वो भी पूरा कैपिटल लेटर से, जैसे स्कूल भी कैपिटल लेटर से, लखनऊ भी पूरा कैपिटल लेटर से आएगा। इसके बाद हम लाइन छोड़ेंगे, फिर हम बीच में सेंटर में डालेंगे नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर से आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से हम डेट मेंशन करेंगे 10 नवंबर 2020। इसके बाद डेट लिखने के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे हम टॉपिक मेंशन करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद लाइन छोड़ेंगे कॉपी में, फिर हम अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे वो भी मार्जिन से, और उसके बाद भी हम लाइन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में हम नेम मेंशन करेंगे, यही नाम लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही दे रखा है, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंसिपल वर्ड लिखेंगे, और फिर हम अपना पूरा नोटिस का बॉक्स क्लोज करेंगे। और आपको डेट ऐसी ही लिखनी है, डेट में कोई चेंजेस मत करिएगा।